नमस्कार दोस्तों, आज है 18 जनवरी 2024 और गुरुवार का दिन हिंदू तिथि के अनुसार। आज अष्टमी शुरुआत करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी खबर के साथ, क्योंकि राजस्थान में पूर्व सरकार कांग्रेस कामकाज पर उंगली उठने लगी। ऐसे में सीएम भजल आज लगातार गहलोत की योजना को बंद करने तो कई फैसलों को पलटने लगे। वही भजलाल कैबिनेट के मंत्री गहलोत सरकार की योजना पर आंख लाल करने लगे। मीडिया जानकारी की माने तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना पर चिकित्सा मंत्री वर्तमान ने पद संभालते ही सख्ती दिखा दी। विभाग के शीर्ष अधिकारियों की बैठक में उन्होंने एक अधिकार के चिरंजीवी और आयुष्मान योजना में अंतर बताने को कहा। सूत्रों के अनुसार अधिकारी ने चिरंजीवी बीमा 25 लाख का बताया। मंत्री के तेवर तीखे हो गए। उन्होंने कहा, आप बताइए चिरंजीवी योजना में अब तक 5 लाख से ज्यादा राशि का लाभ कितने मरीजों को दिया गया। और साथ ही अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रदेश में एक बार फिर राजस्थान में बिजली संकट की आहट गंभीर होती गई। राजस्थान में कोयले के संकट के चलते एक बार फिर बिजली संकट की आहट होने लग गई। बिजली संकट आने से पहले सीएम भजलाल और राज्य के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर इस संबंध में समस्याओं को समाधान खोज निकालने के लिए दिल्ली पहुंच गई है। वहां उन्होंने केंद्रीय मंत्री कोयला प्रहलाद जोशी और केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आरएक सिंह से मुलाकात की। हालांकि अभी इस बात का खुलासा नहीं हो पाया उनके बीच क्या मंत्रणा हुई। अभी समस्या का जल्द समाधान नहीं हुआ तो राजस्थान को बिजली के संकट में जूझना पड़ सकता है। दोस्तों, इसी के अलावा पेट्रोल व डीजल को लेकर बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि पेट्रोल व डीजल की कीमतें कुछ वर्षों से नहीं बढ़ा पाई है। अब लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर देखते हुए पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती कर सकती है। प्रदेश के स्वामित्व वाली इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड लोकसभा चुनाव से पहले फरवरी में पेट्रोल और डीजल के दामों में कटौती कर सकती है। एक रिपोर्ट के माध्यम से हवालों से बताया, तेल कंपनियां इस माह के वित्त वर्ष 2024 की तीसरी तिमाही परिणाम जारी करने के पश्चात पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती करने पर विचार करेगी। और कंपनियों की इस कदम से महंगाई को लेकर भी कुछ थोड़ी बहुत राहत मिलेगी आम जनता को, बताया जा रहा है। और ईंधन प्रोवाइड कराने वाली कंपनियां हाई मार्जिन की वजह से दो तिमाही का मुनाफा कमाया जा रहा, तीसरी तिमाही में लाभ होने की उम्मीद है। इससे इस महीने में परिणाम आने के पश्चात पेट्रोल डीजल के दाम 5 से 10 रुपए प्रति लीटर कमी आ सकती है और आम जनता को राहत मिलेगी। और दोस्तों, इसी के अलावा किसानों को लेकर बड़ी खबर है, पीएम किसान योजना को निकलकर बड़ी खबर आ रही है। किसानों को मिल सकता नए साल को बड़ा तोहफा और योजना में कई साथियों को अच्छा खासा फायदा मिलेगा। पीएम किसान योजना में काफी चर्चित है, जिसके जरिए किसानों को 6000 रुपए की आर्थिक मदद की जाती। पीएम किसान योजना के तहत किसानों को साल में 3 बार पैसा जाता है, हर तिमाही सीधे किसानों के खाते में राशि भेजी जाती। पीएम किसान योजना की 16वीं किस्त को लेकर बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, फरवरी महीने में जारी हो सकती है, जिसका इंतजार किसान लगातार कर रहे हैं। हालांकि इस बार किसानों को नए साल का नया तोहफा मिलेगा। इस बार बताया जा रहा है बजट में सरकार पीएम किसान योजना की धनराशि को बढ़ाने का ऐलान कर सकती है। इसे बढ़ाकर 8000 या 9000 रुपए तक किया जा सकता। वही महिलाओं के लिए ये धनराशि और ज्यादा बढ़ सकती है, यानी साल का 12000 रुपए कर सकती है। साथ ही नई सरकार नई बीमा पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस भी ला सकती है। और इसी के अलावा प्रदेश भर के मौसम को लेकर भी बड़ी खबर आ रही है, प्रदेश के कई इलाकों पर फिर से घना कोहरा छाया रहने की संभावना है। मौसम के अनुसार 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क रहा, लेकिन आज प्रदेश के कई इलाकों पर घना कोहरा छाया रहा, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर, धौलपुर समेत वहीं कई जगहों के लिए पूर्वी हवाओं के प्रभाव से राज्य के पूर्वी, उत्तर व पश्चिमी भागों से आने वाले 1-2 दिनों में अति घना कोहरा छाया रह सकता। इसके अलावा सेकावटी आसपास के क्षेत्रों पर आने वाले 2-3 दिनों में तापमान में कई स्थानों पर और नीचे जा सकता है। वहीं कई जगहों के साथ साथ शीतलहर के आमजन का जीना मुश्किल कर रखा। घना कोहरे पड़ने से सुबह के वक्त लोगों को अपने स्थान पर जाने में काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। हाईवे पर गुजरने वाले वाहनों को हेडलाइन जलाकर धीरे धीरे चलना पड़ रहा है। इसी के साथ ही कड़ाके की सर्दी ने इंसानों को ही नहीं जानवरों को ठिठुरते हुआ देखा जा रहा है, और बेजुबान जानवरों को भी काफी ज्यादा सर्दी के मौसम में बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि आपको बड़ी खबर रोजाना मिलती रहेगी। धन्यवाद।